ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಆಪೇಕಿದ್ರೆ ಪಹಿಲಿ ಜಲ್ಲೇತೆ ದೋಗ ಜನ नानो और बिवा वही सलामी बल्लेबाज की जोड़ी फिर एक मर्तबा और सामने है भाई रुद्रेश रुद्रा आश्वेश एक स्पोटक बल्लेबाजी जरूर। लास्ट प्रतियोगिता जब हुई थी शाहपुरा मैदान पर रनअप रहे थे भाई, लेकिन उसमें भी एक अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिली थी। नरेंद्र असोलकर के अगुवाई में जीती थी और रन अप रहे थे, उप विजेता रहे थे जरूर मेंशन बॉयज। अब इस प्रतियोगिता में देखते भाई नानू लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन वाइड थोड़ी सी बाहर कर बैठे रुद्रेश। एक जानते लेदर बॉल के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी, इनका भी नाम हमेशा पेपर में आते रहता है भाई शाहपुरा बॉयज का। थोड़े से फिर एक मर्तबा घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन थोड़े से लाइन से भटक गए शायद रुद्रेश। और लगातार दो फाइट, स्कोर की बात करूं तो मैं 3-1, सिर्फ एक गेंद हो चुकी है। टॉस जीता पहली गेंद जीतकर पहली गेंदबाजी लिए मेंशन बॉयज ने। यहां पर हैट्रिक कर दी शायद रुद्रा ने भाई वाइड की, थोड़ी सी साइड चेंज कर डालना होगा क्योंकि लेदर बॉल के खिलाड़ी थोड़े से स्पीड के हार जाते हुए। और स्कोरबोर्ड की बात करूं तो 4 लॉस ऑफ 0, एक गेंद, यानी ऐसे कहूं तो मैं पहली गेंद पर 4 आ गया ऐसे हो, कहीं ना कुछ गलत नहीं होगा। इस बाहर भाई डाला और एक तेज तरार गेंद कर दी, अब लाइन में आ गए। अंजुना जिमखाना मैदान पर ही प्रतियोगिता मेंशन बॉयज की ओर से, अब नहीं छेदेगा ये गेंदबाज, अब जान गए भाई। लेकिन इस युवा खिलाड़ी को भी नानू को भी अच्छी बल्लेबाजी करने होगी। सामने है तो है कौन, एक बल्लेबाजी में भी चट्टाने है सामने भाई, पहाड़ है अश्वेश खास करके। इस बार उड़ाया है, उड़ाया कहां पे उड़ाया भाई, सीधा हाथों में दे दिया, रुक रुक के भी खेला तो खेला का। रोहन क्या बल्लेबाजी की थी भाई उस मैदान पर। इस बार फिर एक मर्तबा थोड़े से ऑफ साइड में कट करते हुए, जहां पर भिवा ने लिया था वहीं पर यहां पर आते आते पहली गेंद पर एक ले लिया शशांक ने। स्कोर की बात करूं तो मैं कुल मिला के 5, अच्छी गेंदबाजी। इस बार जैसी गेंदबाजी आई ऐसी बल्लेबाजी मैं तो कहूंगा, गेंद को हाथों को देखा शायद और सीधा ठोक दिया वो भी मिड ऑफ की ओर से जाता हुआ धन धना धन चौवा वो भी मैदान के बाहर। और कुल मिला के 9 यानी 9 रन, पावर प्ले में भी 9 पे भी अच्छे भाई, एक चौवा जरूर गया। खेल समाप्त होता हुआ पहले ओवर का 9 पर 1 विकेट। अब नए गेंदबाज अश्वेश एक हट्टे खट्टे जरे है जैसे स्पोटक बल्लेबाज भी, ये भी फिर एक मर्तबा सामने होंगे शशांक। स्कोर की बात करूं तो मैं 9 पर रखता हुआ स्कोर, एक विकेट पर
पहला ओवर खत्म हुआ, दूसरा ओवर यहां पर लेकर आए आशीष। पहले ही गेंद फ्लोवर की हरकत थोड़ी जरूर, लेकिन उसी पर एक निकालकर भिवा को स्ट्राइक देते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी की इस भिवा ने भी। फर्स्ट इनिंग में राष्ट्रीय वेदांत सांगोल्डक के ओर से भी उनके विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आखिरी में आकर उस नन्हे खिलाड़ी ने एक चौवा जड़ा, उसने उस चौवे ने मैच में रंग लाया भाई। इस बार अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा बड़ा हिट लगाना चाहते, ऑफ साइड में उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी बल्ले की कर ली गेंद ने और थर्ड मैन के क्षेत्र में एक अच्छी फील्ड। स्कोर रुकता हुआ 9 पर, अभी भी सॉरी 10 पर, एक आ गया पहली गेंद पर। इस ओवर की बात करूं तो फर्स्ट गेंद पर एक लगातार, बाद में दो डॉट। इस बार फिर एक मर्तबा एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन सामने है फील्डर, ये छोड़ेंगे नहीं, चट्टान की तरह रहेंगे भाई। सिर्फ एक, इस एक से आगे बढ़ गया स्कोर 11, एक और एक 11, और सामने भी जर्सी है 11 शशांक की। और इस बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे जरूर, लेकिन ये देगा नहीं। अब क्या ड्रॉप बन के दूसरा आ गया भाई, यहां पर एक डेंजर मैन आ गए भाई, सुबह कुछ चाम बोल के आ गए थे गोट, अब ये आ गए। ये भी क्रिकेट के प्रेमी है भाई, देखना चाहते थे, हमें भी एकाधी गेंद मिलेगी फील्ड करने के लिए शायद। इस बार थोड़ी सी लोअर पुल टॉस थी, खेलना चाहिए था आड़े बल्ले से, फिर भी थोड़ी सी खराब फील्ड, वहां पर एक के जगह पे दो दिया, क्या सुस्त है भाई ये आशीष। जैसी गेंद ली वैसी ही मारती सीधा विकेटों को, और खेल समाप्त होता हुआ दो ओवरों का। और स्कोर की बात करूं तो 13 लॉस ऑफ 1, फर्स्ट ओवर में 9 और इस ओवर में 4 डीजे। अनाउंस किया इस पहले के लिए भाई, अगर 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ेंगे तो 1000 मिलेगा आपको इस इनिंग में। नहीं, सामने आगे आप हंस रहे, 48 जर्सी नंबर आपके लिए ये अनाउंसमेंट है भाई, 3 गेंदों में 3 जड़ेंगे तो 1000 मिलेगा आपको। और इस बार इस इनिंग की बात करूं तो मैं फिर एक मर्तबा गेंदबाज रोहन, लेफ्ट हैंडर बल गेंदबाज रोहन, उनके सामने है भिवा और नो स्ट्राइक पर शशांक। स्कोर की बात करूं तो मैं 13 पर रुकता हुआ स्कोर, एक विकेट के मुकाबले में दो ओवरों का समाप्त होता हुआ खेल, तीसरा ओवर का, तीसरे ओवर की पहली गेंद। इस बार भाई एक बड़ा प्रहार करते हुए और पहली गेंद पर चौवा, 4 रन होते हुए देखा जाचा परका, ऑफ साइड में थोड़े से फील्डर की कमी है, वही सी कमी का फायदा उठाते हुए भिवा। फिर एक मर्तबा यहां पर मैंने कहा था ना, एकाधिक गेंद हमें भी मिलेगी भाई फील्ड करने के लिए, इसी इरादे से ये जाते हुए। पत्थर मारिएगा मत प्लीज, वो भी अपने हैप्पीनेस लेकर आया है, कुछ मिलेगी एकाधिक गेंद मुझे भी फील्ड करने के लिए इसी इरादे से। लेकिन खेल थोड़ा सा रुकता हुआ, और स्कोर की बात करूं तो मैं
18 18 पर दो खेलों ओवरों का खेल समाप्त हुआ, तीसरी ओवर चलती हुई, दो गेंदे अब तक हो चुके और इस बाहर भाई थोड़ी सी एक सिंगल लेकर अपने साथीदार भिवा को देते हुए शशांक, वो जानते हैं इनके बल्ले से भी रन बरस रहे, यानी उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा मौका मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देनी चाहिए, ये सोच दोनों की अच्छी सोच, इसी एक से आगे बढ़ गया स्कोर 19 पर या 19 पर। इस बार भाई अच्छी गेंदबाज, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई गेंद की और एक डॉट गेंद, रोहन फिर एक मरतबा क्या बड़ा प्रहार प्रहार मैं तो कहूंगा इस बार, एक लंबी हिट और एक छक्का और इसी चेरन से स्कोर भी आगे बढ़ गया भाई 25 यानी 25 पर। सामने भी जर्सी है उसके भी पीछे, जर्सी नंबर 25 भिवा की, पाव शतक यानी क्वार्टर शतक सेंचुरी होती हुई प्रतीक लेवन की, जानते हैं अगर आपको मुकाबला जीतना तो 60-70 का तो टारगेट होना ही होना चाहिए। और इस बार भाई थोड़े से लाइन से भटक गए, थोड़े से टेंशन ले लिया शायद रोहन ने, लेग साइड से थोड़ी सी गेंद अगर डालू तो मैं एक बड़ी हिट जाएगी, इसी सोच से थोड़ी सी ऑफ में कर दी और थोड़ी बाहर भी कर दी यानी एक वाइड, इसी एक से आगे बढ़ गया स्कोर 26 सॉरी नो बॉल इस बार और प्री हिट मिलेगी जरूर। और इसी नो बॉल को लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, जरूर एक जुदान मिलेगा वहां पर, एक लंबी दौड़ लगाकर अच्छा कैच पकड़ा था जरूर, फिर भी जुदान मिलेगा जरूर और इसी एक से आगे बढ़ गया स्कोर 27-27 यानी 9 की सरासरी लेते हुए खेल समाप्त होता हुआ। तीन ओवरों का मैं बात करूंगा आप सभी के लिए, स्कोर की बात करूं तो मैं 27 लगभग 9 की सरासरी लेकर, और अभी भी दोनों बल्लेबाज पिच पर मौजूद, सलामी यानी ओपनर बल्लेबाज भिवा, उनके साथ साथ वन डाउन के आए हुए शशांक महाले, मेंशन बॉयज की ओर से ये प्रतियोगिता रखी है तालुका लेवल पर और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला मैं तो कहूंगा, दोनों टीमें जीत हासिल कर सेकेंड राउंड में बिठती हुई, मेंशन बॉयज वर्सेस प्रतीक लेवन, पहले टॉस जीता पहले गेंदबाजी ली, खेल समाप्त होता हुआ तीन ओवरों का, स्कोर की बात करूं तो मैं 27 फिर एक बार स्ट्राइक पर होंगे भिवा और गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए विनायक, लास्ट मैच के फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट मैच के मैन ऑफ द मैच आएंगे विनायक। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होती हुई, मेंशन और सब अंदर होंगे खिलाड़ी। इस बार भाई पहले ही गेंद पर क्या जड़ा छक्का, पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, थोड़ी सी पहली मैच में थोड़ी सी बल्लेबाजी भी स्लोअर थी शायद देखने को मिली, लेकिन इस बार भिवा का बल्ला आग होकर है, वो भी जानते हैं क्योंकि सामने भी ऐसे बल्लेबाज है मेंशन बॉयज की ओर से भी 33 फिर एक मरतबा थोड़े से पैरों से टकराई गेंद, बड़ा हिट से भी थोड़े से बाहर रखते हुए सफल होते हुए विनायक कमबैक वापसी कर दी भी, छक्का जड़ लिया उसके साथ साथ आगे के गेंदबाज ने भी वापसी ले ली डॉट गेंद, स्कोर रुकता हुआ 33 पर। फिर एक मरतबा फील्डर के सिर के ऊपर से जाती हुई गेंद, रेस दौड़ती हुई और जीतती हुई गेंद यानी 4 जरूर मिलेंगे 37 अब तक 3 गेंदे 10 रन आ चुके इस मेंशन ओवर में,
थोड़ी सी गेंदबाजी पर बल्लेबाजी हावी होती हुई, फिर एक बार, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे, जाल में अटक लिया और जो डेंजर मैन था विवा उसको लौटना होगा। सलामी से आए थे यानी ओपनर आए थे और अपने टीम के लिए भी लगभग 3 छक्के और उनके साथ साथ 3 चौवे। और सॉरी 2 छक्के और 3 चौवे, चौवे के साथ साथ टोटल 14 गेंदों में 28 का योगदान उनका भी। और स्कोर रुकता हुआ 37 पर। अब नए बल्लेबाज योगेश, आखिरी मैच में लगातार इस मेंशन ओवर में 3 चौवे जड़े थे और थोड़ा सा मुकाबला पलट लिया था वही योगेश। इस बार नए बैटर बल्लेबाज, नए बल्लेबाज नए बैटर जिसे कहते हैं, अब बैट्समैन नाम गया है भाई, बैटर हो गए और उस स्ट्राइक पर होंगे। इस बार अच्छी गेंदबाजी, एक चौवा जरूर जड़ा, लेकिन फिर भी एक विकेट ले लिया और वापसी कर दी। मैं कहूंगा विनायक ने, क्यों ने भी लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच थे जरूर, उनके पास भी वो गेंदे हैं, सिक्के की गेंदबाजी करते उंगलों को तोड़ मरोड़ कर डालेंगे जरूर। सामने योगेश, हाँ पिच पर कर बैठते तो एक मौका था जरूर बल्लेबाज के पास, फिर भी एक डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, 10 आ गए फिर भी अच्छी गेंदबाजी। 37 for 2 खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवरों का 37 for 2 याद रहेगा। आने वाली 12 गेंदे, अब देखते भाई टारगेट कितना रखते हैं योगेश, सॉरी प्रतीक 11, योगेश उनके साथ साथ शशांक अभी भी पिच पर मौजूद। 28 रनों का निजी योगदान देकर 14 गेंदे में वापस आउट हो गए भिवा, उनके साथ साथ आए थे जो नानो वो डकआउट में 0 पर। थर्टी सेवन हो चुके 37 37। अब आगे भी लंबी कद के गेंदबाज नीलेश, इन्हें कौन नहीं जानता भाई। और सामने है शशांक महाले, स्कोर रुकता हुआ 37, खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवरों का, अभी भी 12 गेंदे बाकी। स्लोवर थी, क्या हीट लगाई भाई, एक काउ कॉर्नर के ऊपर से लंबी हीट, यहां पर मैं तो कहूंगा इस मैदान की, इस ग्राउंड की लंबी बाउंड्री जड़ दी भाई शशांक ने। अगर पिछले ओवर की और इस ओवर की बात करूं, पहली गेंद पर ही छक्के जड़े दोनों भी, उस ओवर में जड़ा था जरूर भिवा में भिवा ने और इस ओवर में शशांक ने, क्यों नहीं। अभी खेल पट्टी भी थोड़ी सी पिच बल्लेबाजी को सपोर्ट करती हुई थोड़ी सी गर्म हो गई जरूर धूप में, और आप सभी के लिए भी उतनी आज धूप नहीं है। फिर एक मर्तबा सीधा बल्ले से स्क्रीन के सामने आते हुआ खिलाड़ी और उठाया सिर्फ 1 रन, अच्छी फील्डिंग मैं तो कहूंगा। 44 चौवे पे चौवे, क्या एकादा चौवा चक्का जड़ेगा इसके साथ साथ देखेंगे। और इस बार उठा के मारा है, नीचे है खिलाड़ी यानी फील्डर, छोड़ेंगे नहीं भाई इस लॉलीपॉप कैच को और लौटना होगा योगेश को। पिछले मैच में लगभग लगातार 3 चौवे यानी 3 4 मारने वाला बल्लेबाज इस बार मात्र 3 गेंदों में 0 कर आउट होते हुए निराश थोड़े से खुद भी और अपने टीम के लिए भी मैं तो कहूंगा। अब नए बल्लेबाज अविनाश महाले, शायद लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज होंगे, स्टाइल से पता चलता है जब बल्लेबाज बैट लेके जाता है तो पता चलता है जरूर। जो भी प्रेक्षक जन दूर से देख रहे हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अविनाश ने बैटर, अविनाश नहीं बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अविनाश, स्कोर रुकता हुआ अभी भी 44 यानी 44 पर।
पांचवा ओवर, इसके बाद और एक ओवर मिलेगा जरूर इस बाहर भाई। दिखाया कुछ और करने जा रहे थे कुछ, और डॉट गेंद, उतनी समझदारी से गेंद डाली नीलेश ने भी। इस बार थोड़ी सी गेंद जड़ में डाली थी जरूर, और उसी को एक प्लेसमेंट करके एक रन, और इसी एक से आगे बढ़ गया स्कोर 45 एंड 45। पहले गेंद पर एक चक्का जरूर जड़ा, क्या आखिरी गेंद पर चक्का जड़ेगा ये शशांक, आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या एक आखिरी गेंद अच्छी गेंद या विकेट की गेंद नीलेश की ओर से, और इस बार बड़ा हिट तो नहीं जड़ पाए, मिड ऑन से जब तक आते उठाते तब तक के लिए तो एक, और इसी एक से आगे स्कोर भी पहुंचा 46 पर, और स्ट्राइक भी रख लिया शशांक ने आपके पास 46। खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवरों का 30 गेंदे 46, लॉस ऑफ 2-3 विकेट सॉरी, टॉस जीता। आप सभी के लिए भी आखिरी ओवर इस इनिंग की, फिर एक मरतबा गेंद जाती हुई विनायक के पास, पहली गेंद पर पहला बड़ा हिट जड़ दिया भाई, सीधा आड़े बल्ले से ताकत डाल दी 6 रन पे। और आप सभी के लिए भी एक खुशखबर, राजेश शिरोडकर इनका भी रेस्टोरेंट है फाउंटेन व्यू बोल के नियर पंचायत के पास, आप जाइएगा अच्छा खाना, उसके साथ साथ अच्छे मछली यानी फिश आपको सभी के लिए, जो गोवन राइस प्लेट मिलते हैं, सुंगटा हो या मानके हो कुल्ले हो या इस पर सब हर डिश मिलते हैं आपके लिए, आप जाइएगा एक बार जाकर चेक कीजिएगा। आप सभी के लिए भी इनके तरफ से भी मैं कहूँगा, एक चक्का जड़ा उसके बाद में जड़ में डाली हुई गेंद, और एक लेकर अविनाश को स्ट्राइक देते हुए 53 एंड 53 रन। राजेश शिरोडकर इनके भी याद रहिएगा, आप एक संडे हो या कभी भी पिकनिक के दौर पर आते या बीच में भी आते तो भी आप जाकर आस्वाद यानी लंच ले सकते हैं वहां पर। इस बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अविनाश महाले, स्कोर की बात करूं तो मैं 53। फुल टॉस थी गेंद, लेकिन इस गेंद पर तो रन बनने थे भाई, लेकिन अच्छी फील्ड में तो कहूंगा वहां पर अशोक की, दो छक्के जड़कर अभी भी फिर एक मरतबा स्ट्राइक पर है वो शशांक, एक अच्छी बल्लेबाजी अब तक तो मैं कहूंगा भैया के पीछे शशांक की भाई। लगभग अब तक नजी 20 पर खेलते हुए शशांक, जो ओपनर आए वो खेले और वन डाउन खेले, बाकी सब कुछ नहीं यहां पर। और एक हिट, क्या कैच कहो मैं भाई, तालियां हो जाने दे ऐसे कैच को, यहां पर कैच देखी थी मैंने नानू की, और इसके बाद इस खिलाड़ी की अभिषेक की, क्या कैच भाई, आपके याद में ध्यान में रहेगा एक खिलाड़ी जरूर, ये अच्छी कैच, वन हैंड से एक हाथ से पैर उठाकर पीछे सीमा रेशे का भी ध्यान रखते हुए भी पकड़ लिया।
पारी आखिरी छक्का था जरूर, लेकिन फिर भी जे अभी ने दिया ने भी 6 रन बचा लिए। आखिरी 2 गेंदे और नए बैटर नए बल्लेबाज है शाइश के, आखिरी 2 गेंदे में बड़े हिट 2 लगाएंगे। 54 पर रुकता हुआ स्कोर अभी तक। आखिरी 2 गेंदे सामने विनायक, गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए विनायक इस बार उड़ाया है, लेकिन अशोक ये नहीं छोड़ेगा भाई के लिए। पहले 1000 रुपए का प्राइज है, आप थोड़ा जल्दी आएंगे पहले बाजी के लिए ऊपर, नहीं तो ये हमारे आशीष रहेंगे तो खत्म कर देंगे भाई। Music I fall thinking on the dance floor, wanting some more work. Mr. Teacher, won't you turn the music up all the game? Mr. Teacher, some on the replay. Mr. Teacher, won't you turn the music up all the game? On the dance floor, wanting some more work. Thank you, DJ. Akri, gend ke liye aate hue naye ballebaaz. Akri gend ka mukabla karne ke liye naye ballebaaz pitch par maujood. Samne Vinayak. इस बार भाई लेकिन नो मैन लैंड में झेल जाते हुए और इसे 1 से आगे बढ़ गया स्कोर 55 यानी 55 याद रहेगा, 55 आपको बनाने होंगे, 56 अब तक 56। रितेश रितेश पावस्कर56 रनों की जरूरत भाई
36 गेंदे, 36 गेंदे, अश्वेश और नीलेश और बड़ी हिट लगाने जाते थे जरूर, फिर भी थोड़े से नीले हाथों से खेला, स्लोअर खेला, फिर भी इस बल्लेबाज के बल्ले में ताकत है भी, देखना होगा। और इस बार भाई आते थे खड़े खड़े ठोका, एक चौवा जरूर मिलेगा। इसी चबी ने खाता खोल दिया भाई, चार है ने। अश्वेश के बल्ले से पहले ही पहला ही चौवा, पहली गेंद थोड़ी सी दी दी स्लोवर देख लिया, लेकिन दूसरे गेंद पर करारा प्रहार यानी चार रन, 56 की जरूरत अश्वेश और नीलेश से। इस सलामी बल्लेबाजों की दोनों जोड़ी और सामने गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए शशांक। फिर एक मरतबा रिवर्स और आ गया भाई, वन बाउंस यानी चौवा जरूर मिलेगा। लगातार दो गेंदे में दो छवे, स्कोर पहुंचा हुआ 8 पर। फिर एक मरतबा हड़े बल्ले से पंचों के साइड से हिट करती हुई गेंद, लेकिन जब दीप से गेंद उठाते फील्ड करते तब तक के लिए एक रन। अब पिच पर सामने होंगे स्ट्राइक पर नीलेश। स्कोर की बात करो तो 9, यहां पर दौड़ते दौड़ लगाते हुए एक जरूर ले लिया और स्कोर भी एक से भी आगे बढ़ गया यानी 10 पर 10। फिर एक मरतबा रिवर्स, थोड़ी सी स्लोअर बल्ले और थोड़ी सी जान होती, थोड़ी सी बल्ले को हिट करती गेंद को तो जाती, लेकिन अच्छी गेंदबाजी मैं तो कहूंगा। पहले अगर फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो फर्स्ट ओवर में 9 आए थे और इस इनिंग में फर्स्ट ओवर में 10, यानी कुल मिला के बराबर चलती हुई ट्रेन दोनों पत्रे पर। अब लास्ट मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच हीरो थे भाई, 5 लगभग विकेट निकाले थे जो वही गोविंद है, लेकिन सामने है कौन, तो है नीलेश और अश्विश और एक युवा खिलाड़ी गोविंद। ये दोनों बल्लेबाजों के पास बहुत से तजुर्बा है, मैं तो कहूंगा टेनिस हो या लेदर हो, ये हमेशा ही भाई क्रिकेट में मैदान में जुड़े रहते। इस बार भाई रिवर्स के हिट करना चाहते थे जरूर, वही गेंदबाजी करनी होगी गोविंद को, लेकिन इस बार आड़े बल्ले से उड़ाया, लेकिन गई गई गेंद 4 रनों के लिए और इसी 14 से भी स्कोर आगे बढ़ गया यानी 14 यानी 14 रन स्कोर पे जोता हुआ। पहला चौका इसी नीलेश के बल्ले से भी, दोनों चौके अब तक अश्वेश के बल्ले से और ये नीलेश के बल्ले से, यानी सिंगल को तो एक दो रन आगे भी, लेकिन बड़े हिट के ही
इस बार भाई फुल टॉस थोड़ी सी थी, थोड़े से झुके, लेकिन एक चौवा, इसके साथ साथ एक छीक, अरे बड़ी हिट, 10 रन, फिर एक बार तबाह वहीं पर, और एक 6 रन। मैंने पहले कहा था लेदर बॉल हो या टेनिस बॉल हो, ये नहीं छोड़ेंगे भाई, पहले के लिए भी कुछ रन रखिएगा, 1000 रुपए का इनाम भाई उनके पास से, थोड़ा मौका मिलने दे उनको भी, क्या खत्म करेंगे दोनों भी। 26-26, अब सिर्फ 29 की जरूरत। और इस बार ऑफ में जाते हुए गेंद को उठाया, जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक लिए, और स्ट्राइक पे पहुंचे आशीष। इस बाहर क्या कहूं मैं, आंखों को देखने वाला छा जाने वाला, यह तो मैं तो कहूंगा फट, लेकिन उतनी अच्छी फील्ड के प्रयास में थे जरूर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, और एक चौवा, और इसी चौवे से स्कोर भी आगे बढ़ गया भाई, 31 यानी 31 रन, 55-56 की सॉरी पीछा करते हुए, अब तक तो दूसरा ओवर ही चल रहा है, और 31 अब 25 की जरूरत, 24 गेंदे 25 की जरूरत। अब नए गेंदबाज नारायण नानू, सामने होंगे नीलेश, पच्चीस की जरूरत। पहली गेंद बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन थोड़े से मिस कर बैठे, फिर भी मुकाबला अभी तो मैं कहूं जरूर मेंशन बॉयज की ओर। 31 पर पहुंची हुई मेंशन बॉयज, 25 की जरूरत यानी 25 की जरूरत। इस बार फिर एक बार स्लोवर की, थोड़े से उंगलियों को तोड़ मरोड़ के डाला, लगातार 2 गेंदे डॉट, अगर जितना है मुकाबला तो अच्छी गेंदबाजी करने होगी गेंदबाजों को, एक तो और मिडन जाना ही जाना चाहिए भाई, लेकिन उसके बाद में मिलेगी अगली ओवर यानी मेंशन ओवर। इस बार यॉर्कर थी, क्या गेंद थी भाई, लेकिन उतनी अच्छी कड़ा प्रहार किया, लेकिन एक से आगे नहीं मिलेगा। अब आगे स्ट्राइक पर आशीष, 32 यानी 32। अब 24 की जरूरत, 24 की जरूरत। हाँ, और इस बार अब 22 की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी मैं तो कहूंगा, अब तक थोड़ी सी बड़ा हिट यानी थोड़े से बल्लेबाजों को बांधा है, लेकिन इस बार एक को तो लौटना होगा यानी नीलेश को आना होगा।
19 रनों की पारी खेलते हुए नीलेश को लौटना होगा। अब नीलेश की जगह लेते हुए नए युवा खिलाड़ी आ रहे रोहन एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रोहन। नीलेश एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज नीलेश, एक अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, सिर्फ दो दिए और एक विकेट। लास्ट बॉल शायद आखिरी गेंद इस ओवर की। और इस बार हल्के से कट किया, हल्के से प्लेसमेंट, दिशा दे दी गेंद को और एक ले लिया, यानी अपने पास स्ट्राइक रखने में कामयाब हो गए रोहन और इसे एक से आगे बढ़ गया स्कोर 34। अभी भी 22 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 22 की जरूरत, एक अच्छी ओवर मैं तो कहूंगा प्रतीक लेवन की ओर से। नाना धुरी ने गेंदबाज मेंशन ओवर के लिए आए भाई सामने नीलेश सॉरी रोहन। और पहली गेंद यॉर्कर थी जरूर, लेकिन आएगा आएगा चौवा जरूर आएगा भाई। पहली गेंद पर करारा प्रहार, जैसे जैसे स्कोर बढ़ता हुआ आगे और जीत की ओर भी बढ़ती हुई मैं तो कहूंगा मेंशन बॉयज। और स्कोर पहुंचा हुआ 38 पर। अभी भी 17 गेंदे 18 की जरूरत। इस बार भाई स्फोटक बल्लेबाज भाई, मैंने पहले आते ही जिक्र किया था जब वो प्रतियोगिता रखी थी शाहपुरा मैदान पर, क्या बल्लेबाजी की थी जब मुश्किल में थी मेंशन बॉयज की टीम, तब इसी बल्लेबाज ने शायद सेमीफाइनल को मैच जिता के दिया था, वही रोहन इस बार लगातार 2 चौके जड़ते हुए। अभी भी 14 की जरूरत। फिर एक मर्तबा और भाई थोड़ी सी प्रयास था तो जरूर, लेकिन लगातार 3 चौके यानी हैट्रिक कर दिए। और एक डॉट गेंद, थोड़ी सी कमबैक्स वापसी की, फिर भी देर हो चुकी भाई, सिर्फ 10 रन। शायद पहले का इनाम रह गया बाकी मैं तो कहूंगा 3 छक्के और 1000 रुपए का। इस बार फुल टॉस थी, गेंद आसमान उड़ा और एक फील्ड की तो की लेकिन थोड़ी सी भारी कर बैठे और एक चौवा। अब 6 चाहिए, क्या छक्के से जीत दिला पाएगा ये रोहन। 4 चौवे इसे बल्ले से अब तक। सिर्फ 6 रनों की जरूरत। और एक बार भाई फिर एक मरतबा चौवा, यानी अब सिर्फ 2 की जरूरत।
लगातार 5-4 एक डॉट गेंद गई जरूर, लेकिन 20 रन आ चुके, सिर्फ एक रनों की जरूरत। क्या आशीष जड़ाएगा एक बड़ी हिट इस और इस बाहर लोहर पुलटास थी, ताकत भरा बल्ला था इस बल्लेबाज का और 6 जड़कर जीत हासिल की। कांग्रेचुलेशन बेटा कहूंगा मैं मेंशन बॉयज टीम के। Vinayak Murgaonkar picked up 3 wickets when he came out to bowl. 2 overs, 19 runs and 3 wickets. For Vinayak Murgaonkar, I request Shri Sebi D'Souza, Secretary, General Secretary of Anjuna Gymkhana, to please do the honours. Next game will be played between Kick Mama Korzuem Marna Challengers at exactly 1:30. So please be ready and please submit your lineups as fast as you can. You don't have to wait, you know my name. Sunshine in